हेलो स्टूडेंट, विजन क्लासेज एकमा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 12 के मैट्रिक्स के पार्ट 2 वीडियो लेकर आया हूं। पिछले वीडियो में हमने मैट्रिक्स का डिफिनेशन, मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, फिर इसके बाद एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स यानी कि अवयव के प्रकार। तो पहला है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि वर्ग अवयव किसको कहेंगे? तो क्या है कि अ मैट्रिक्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ रॉ एंड कॉलम इज कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स। करा एक मैट्रिक्स यानी एक अवयव जिसके पास क्या होना चाहिए, इक्वल माने बराबर नंबर ऑफ रो एंड कॉलम, यानी कि जिसमें रो आने का मतलब पंक्ति और स्तंभ, कॉलम का मतलब होता है स्तंभ, यानी कि जिसमें वैसा अवयव जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर हो तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। तो एग्जाम्पल हमारा क्या लेते हैं कि ए में एक मैट्रिक्स ले रहे हैं जिसमें ये दो, ये तीन है, ये चार और ये दो। अब देखो, ये जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें रो की संख्या यानी रो आर वन और ये आर टू यानी दो है, और कॉलम भी कितना है, सी वन और सी टू, यानी दोनों बराबर है। यानी कि ये m इंटू एन जो है ये 2 इंटू 2 है, रो और कॉलम दोनों बराबर है। एक और जैसे के लिए लेते हैं बी में, तो बी में 3 - 4 - 2 - 1 - 3 या -4। अब देखो इसमें अगर बात करें, सॉरी ये नहीं, एक और 2 - 3 यहां 5 जगह पर ले लेते हैं, इसमें बात किया जाए तो इसमें भी देखो स्क्वायर, ये क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स इसको कहेंगे, क्योंकि इसमें देखो आर वन आर टू ये हो गया आर थ्री, उसी तरह से ये सी वन सी टू सी थ्री, यानी कि जितना रो की संख्या है उतना ही क्या है कॉलम की संख्या है, यानी दोनों की संख्या बराबर है, इसलिए इसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। अब आते हैं दूसरा, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। दूसरा क्या है? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स उसको कहेंगे। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स मतलब हो गया क्षैतिज अवयव। अब क्षैतिज अवयव क्या है? द एमिन मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, यानी कि एमिन मैट्रिक्स यानी एमिन अवयव एक क्षैतिज अवयव तब कहा जाएगा जब क्या हो, यदि इफ माने यदि नंबर ऑफ रो यानी कि पंक्ति की संख्या इज लेस देन द नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि पंक्ति की संख्या जो है स्तंभ की संख्या से क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए, यानी कि कम होना चाहिए, समझ रहे ना, यानी एम जो होना चाहिए वो एन से छोटा होना चाहिए। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल हम लेते हैं कि ए में क्या है कि 3 - 2 - 4 - 3 - 3 - 2 - 4 - 1 - 5 - 3 ये हमने एक मैट्रिक्स लिए, क्या लिए, एक मैट्रिक्स लिए। अब इसमें देखते हैं कि इसमें रो की संख्या जो है यानी आर वन और ये आर टू, रो कितना है 2 है और कॉलम कितना है, तो सी वन ये सी टू और ये सी थ्री, यानी कि ये कॉलम की संख्या 3 है और आर वन की संख्या कितना है 2 है। तो आप देखो यहाँ पे क्या कर रहा है कि नंबर ऑफ रो इज लेस देन, यानी कि नंबर ऑफ पंक्ति की संख्या जो होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए किससे, तो द नंबर ऑफ कॉलम यानी कि स्तंभों की संख्या से कम होनी चाहिए, यानी कि ये मैट्रिक्स जो है जो 2 - 3 के रूप में है, यानी कि ये देख लो यहाँ पे एन एन के जगह पे 3 है और एम के जगह पे 2, जो 3 से क्या है 2 कम है, इसलिए ये जो मैट्रिक्स कहलाएगा वो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहलाएगा, यानी क्षैतिज अवयव कहलाएगा। नेक्स्ट तीसरा आते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। रुक दिया, तीसरा वर्टिकल मैट्रिक्स यानी ऊर्ध्वाधर अवयव।
उदाहरण आव्यूह क्या है तो देखते हैं, ए एमिन मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए वर्टिकल मैट्रिक्स, यानी कि एमिन आव्यूह एक उदाग्र आव्यूह तब कहा जाएगा यदि इफ नंबर ऑफ रो, यदि क्या पंक्ति की संख्या इज ग्रेटर देन, यानी कि पंक्ति की संख्या अधिक हो किससे, तो द नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम यानी स्तंभों की संख्या से, है ना। अर्थात कहने का मतलब कि एम बड़ा होना चाहिए एन से, है ना। तो जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल कि ये मैट्रिक्स ए बराबर एम कुछ लेते हैं, 3-4, 2-3 और ये 4 और 1 ले लेते हैं, ये एक मैट्रिक्स है, है ना। एमिन एक क्या है, मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स में इसमें देखो रो की संख्या कितना है, R1, ये R2 और ये R3, कॉलम की संख्या C1 और C2। तो यहाँ पे देख सकता है कि यहाँ पे R1 रो की संख्या 3 है और कॉलम की संख्या 2 है। तो यहाँ पे देख सकता है कि M जो है N से बड़ा है, है ना। M क्या है, N से बड़ा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पंक्ति की संख्या जो होनी चाहिए, रो की संख्या, वो कॉलम की संख्या से अधिक रहेगा तो उसको वर्टिकल मैट्रिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, वर्टिकल मैट्रिक्स। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं चौथा में क्या है कि रो मैट्रिक्स, या फिर बोल सकते हैं रो वेक्टर, रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर, यानी इसको कहते हैं पंक्ति आव्यूह या तो पंक्ति सदिश। देखो इसमें इसको क्या डिफिनेशन कि ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, यानी कि केवल एक रो वाला जो मैट्रिक्स होगा वो क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर। यानी सिर्फ और सिर्फ केवल एक पंक्ति वाला अगर मैट्रिक्स है तो उसको रो मैट्रिक्स कहेंगे या फिर रो वेक्टर कहेंगे। जैसे एग्जांपल में हम b बराबर कुछ लेते हैं, 1-2-4-3। देखो ये b बराबर एक वेक्टर मैट्रिक्स लिए और मैट्रिक्स इसमें कितना रो है, तो सिर्फ 1 है। कॉलम कितना रो है उससे दिक्कत नहीं है, सिर्फ रो क्या होना चाहिए, 1 होनी चाहिए, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, रो मैट्रिक्स कहलाएगा। उसी तरह से और भी ले लेते हैं, जैसे ए का एक लेते हैं 0-3-2, ये भी क्या है, ये एक रो वाला है, सिर्फ R1 है इसमें, तो ये भी क्या कहलाएगा, रो मैट्रिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रो मैट्रिक्स। इसके बाद आते हैं पांचवा, कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर। पांचवा कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर, यानी इसका हिंदी होता है स्तंभ आव्यूह या तो फिर कह सकते हैं स्तंभ सदिश, ठीक है। तो देखो इसका डिफिनेशन क्या है कि अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर। यानी कहने का मतलब कि सिर्फ एक स्तंभ वाला मैट्रिक्स, एक स्तंभ वाला आव्यूह ही क्या कहलाएगा, कॉलम वेक्टर या कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा, स्तंभ आव्यूह कहलाएगा। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं कि इसमें ए बराबर कोई लेते हैं कि 2-3-0 है ना। ये क्या है, सिर्फ इसका कॉलम जो है सिर्फ एक है, C1 एक ही को है ना कॉलम, रो भले ज्यादा रो ज्यादा रहे उससे कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ कॉलम कितना होना चाहिए, 1, तो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा या तो फिर कॉलम वेक्टर कहलाएगा। और भी जैसे ले सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं ये ले 3-0-4-2, तो ये भी देखो इसमें भी कॉलम की संख्या कितना है, सिर्फ C1 एक है, तो ये कॉलम वेक्टर कहलाएगा, क्योंकि इसमें मतलब इसमें मैट्रिक्स की कॉलम की संख्या सिर्फ क्या, एक है, और केवल एक यदि कॉलम रहता है, एक कॉलम रहता है तो उसको कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स या तो फिर कॉलम वेक्टर कहते हैं। नेक्स्ट छठा आते हैं जीरो मैट्रिक्स। तो छठा हमारा जीरो मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स या फिर उसको नल मैट्रिक्स भी कहते हैं, जिसका हिंदी होता है शून्य आव्यूह या फिर रिक्त आव्यूह। तो रिक्त आव्यूह क्या है, यानी कि जीरो मैट्रिक्स क्या है, तो अ मैट्रिक्स हुज ईच एलिमेंट इज जीरो इज कॉल्ड ए जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। यानी कहने का मतलब
कि एक मैट्रिक्स एक ऐसा अवयव जिसका माने जिसका इच यानी प्रत्येक एलिमेंट माने तत्व, यानी उसमें जो प्रत्येक एलिमेंट जो ले लिया जाए वो टोटल का टोटल जीरो, तो उसको कहा जाता है जीरो मैट्रिक्स या तो फिर नल मैट्रिक्स। जैसे कि एक एग्जांपल हम लेते हैं, एग्जांपल कि ए बराबर एक ले रहे हैं जीरो 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 जीरो। अब ये वेक्टर जो है ये मैट्रिक्स जो है वो क्या है, जीरो मैट्रिक्स है। या फिर और हम भी बी बराबर एक लेते हैं कि जीरो 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 जीरो, या कुछ भी और भी तीन को करके चार को करके इस तरह करके ले सकते थे। सबका एलिमेंट क्या है, एक ये सबका एलिमेंट जीरो है ना, ये सबका कॉलम भी जीरो रो भी जीरो, यानी कि सब जीरो है, तो इसको कहा जाता है जीरो मैट्रिक्स या तो फिर उसको नल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। और क्या करा है कि जीरो मैट्रिक्स इज यूजुअली डिनोटेड बाय जीरो, यानी कि एक जीरो मैट्रिक्स को सामान्य रूप से जीरो से सूचित किया जाता है। यानी कि यहाँ बी के जगह पे जीरो भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जीरो को ज्यादातर कहीं लिखा रहेगा जीरो बराबर इस तरह का, तो समझना है कि ये जीरो मैट्रिक्स है। क्या है, जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट अगला आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो देखो डायगोनल मैट्रिक्स यानी विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव क्या है कि आप स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट नॉट अकरिंग अलोंग द प्रिंसिपल डायगोनल इक्वल टू जीरो। यानी कहने का मतलब है कि आप स्क्वायर, ये डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी कि स्क्वायर के रूप में, स्क्वायर में क्या बताए थे कि जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या दोनों बराबर हो तो उसको स्क्वायर, तो यह भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। लेकिन इसमें क्या है कि ऑल एलिमेंट यानी सभी तत्व जो है, सभी एलिमेंट जो है नॉट अकरिंग अलोंग द प्रिंसिपल डायगोनल इक्वल, यानी कि प्रिंसिपल माने होता है मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण के बराबर नहीं होता है, सभी एलिमेंट जो होता है वो मुख्य विकर्ण के जैसा नहीं होता है, बल्कि क्या होता है कि प्रिंसिपल डायगोनल इक्वल टू जीरो, यानी कि जितना भी प्रिंसिपल डायगोनल को लेकर के जो भी एलिमेंट आएगा वो सब क्या होगा, जीरो होना चाहिए। अर्थात इसको हम कह सकते हैं शॉर्ट में कि एक वर्ग अवयव विकर्ण अवयव कहलाता है यदि उसका प्रिंसिपल यानी उसके विकर्ण के अलावे सभी एलिमेंट जो है वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, सभी अवयव शून्य होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल की ए बराबर हम ले रहे हैं ये चार जीरो जीरो, फिर जीरो तीन दो जीरो जीरो, सॉरी यहाँ दो नहीं जीरो माइनस एक। तो ये देखो क्या एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या है, ये विकर्ण प्रिंसिपल डायगोनल जो है यही है, ये प्रिंसिपल डायगोनल है, ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल है, जिसके अलावा यानी प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ करके सभी एलिमेंट जो होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए, तब इसको कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। देखो ये चार तीन एक, ये प्रिंसिपल डायगोनल के बाद ऊपर भी सब जीरो है, नीचे भी सभी जीरो है, यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ करके शेष सभी एलिमेंट जीरो होना चाहिए, तो उसको प्रिंसिपल। अर्थात यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ए 11 ए 22 एंड ए 33 इज कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल। क्या है कि ये प्रिंसिपल डायगोनल है, या तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं डायगोनल ऑफ 4 3 माइनस 1, ये भी ऐसे भी लिख सकते हैं इस चीज को। तो ये हम इस तरह का यहाँ दिखा दिए कि यानी कि यह स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के अलावे सभी एलिमेंट जो है वो क्या है, शून्य है। एक और एग्जांपल जैसे आप कह दिया जाए कि इसमें भी अगर जीरो यहाँ हो तो वो प्रिंसिपल डायगोनल, अगर मैं प्रिंसिपल डायगोनल में भी जीरो हो तो विकर्ण अवयव है, तो हाँ है। जैसे कि बी बराबर हम लेते हैं एक एग्जाम्पल कि ये 4 0 0 0 0 या 3 0 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
अब ये इसमें ये जीरो आ गया, तो इससे विकर्ण में जीरो हो, प्रिंसिपल डायगोनल में जीरो हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ करके क्या होना चाहिए, वो जीरो होना चाहिए। और टोटल ये प्रिंसिपल डायगोनल जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जीरो हो जाएगा, टोटल जीरो हो जाएगा, फिर वो क्या आ जाएगा, जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा, नल मैट्रिक्स। अगर टोटल जीरो कर देंगे तो नल मैट्रिक्स, यानी कोई ना कोई संख्या एक होना चाहिए। तो ये क्या कहलाएगा हमारा, ये प्रिंसिपल डायगोनल अगर को छोड़ करके बाकी से सभी एलिमेंट अगर जीरो हो तो उसको डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं तो देखो ध्यान दो क्या है, स्कालर मैट्रिक्स, अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह किसको कहेंगे, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज साइड टू बी अ स्कालर मैट्रिक्स, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसको, यानी कि स्कालर अदिश मैट्रिक्स कहा जा सकता है, जो यदि क्या होना चाहिए कि ऑल एलिमेंट्स अलोंग द प्रिंसिपल डायगोनल आर इक्वल, यानी कि उसका प्रत्येक मुख्य विकर्ण जो होगा वो सभी इक्वल होना चाहिए, समान होना चाहिए, एंड ऑल एलिमेंट नॉट अकरिंग अलोंग द प्रिंसिपल डायगोनल, और उसके प्रिंसिपल डायगोनल के जैसा और भी सभी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। जैसे अर्थात इसको हम कह सकते हैं एक टूटी फूटी भाषा में कि एक वर्ग आव्यूह अदिश आव्यूह कहलाता है यदि उसके मुख्य विकर्ण के अलावे सभी अवयव क्या होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए, यानी जीरो होना चाहिए, और उसका मुख्य मतलब प्रिंसिपल जो होना चाहिए वो सभी समान होना चाहिए। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि ए बराबर हम एक कोई मैट्रिक्स लेते हैं जिसमें ये दो जीरो 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 दो जीरो 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 दो, ये एक मैट्रिक्स लिए। अब ये मैट्रिक्स में क्या कहा है कि मुख्य विकर्ण जो है, प्रिंसिपल डायगोनल जो है क्या है, इक्वल है, क्या है, इक्वल है, यानी कि समान है, यहां भी दो दो, यानी टोटल इक्वल माने समान है, और ये प्रिंसिपल डायगोनल के अलावे जितने भी एलिमेंट है वो सब क्या है, जीरो है, तो इसको कहेंगे स्कालर मैट्रिक्स, अदिश आव्यूह कहेंगे। और भी जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं कि जैसे रूट थ्री जीरो 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 रूट थ्री जीरो 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 रूट थ्री, तो ये हमारा इसमें प्रिंसिपल डायगोनल क्या है, इक्वल है, समान है, एक जैसा है, तो ये हम कह सकते हैं इसको क्या कह सकते हैं कि ये जो है एक तरह से स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी कि अदिश आव्यूह है, क्योंकि इसका प्रिंसिपल डायगोनल समान है और बाकी जितने भी एलिमेंट है वो सब क्या है, सब जो है यानी जीरो के बराबर, यानी जीरो है, यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल के अलावे सभी एलिमेंट जीरो है। तो देखो यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो देखो यूनिट मैट्रिक्स क्या है, ए का हिंदी होता है इकाई या तत्समक अव्यूह। तो देखो इसमें अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज साइड टू बी अ यूनिट मैट्रिक्स, यानी कि एक वर्ग अव्यूह यूनिट मैट्रिक्स यानी इकाई अव्यूह कहा जाता है यदि इफ माने यदि ऑल द एलिमेंट अलोंग द प्रिंसिपल डायगोनल आर यूनिटी, यानी कि यदि क्या होना चाहिए, सभी एलिमेंट प्रिंसिपल डायगोनल जो होना चाहिए एलिमेंट, यानी सभी एलिमेंट के को में जो होना चाहिए प्रिंसिपल डायगोनल वो एक यानी यूनिटी होना चाहिए, यानी कि इकाई अंक होना चाहिए, एक होना चाहिए, एंड All element not occurring along the principal diagonal are zero, यानी कि और principal diagonal के अलावे सभी element zero होना चाहिए। जैसे कि हम example लिख लेते हैं, example कि एक zero zero एक, ये हमारा क्या है कि एक तरह से ये यूनिट मैट्रिक्स है या इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। देखो इसमें क्या है कि प्रिंसिपल डायगोनल जो है क्या है, इकाई अंक है यानी एक है,
और बाकी प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ करके शेष सभी एलिमेंट जो है वो क्या है, जीरो है। एक और, ए यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, यानी कि यूनिट इकाई अव्यू का कोटि जो होता है एन है, और इसे आई एन से डिनोट किया जाता है, सूचित किया जाता है, इसलिए आई टू, आई एन, एन के जो नंबर हो गए, यानी ऑर्डर ऑफ कोटि मैट्रिक्स अव्यू का कोटि हो गया, तो ये इकाई। इसी तरह से और दूसरा अगर हम लेते हैं आई थ्री बराबर एक लेते हैं, एक जीरो 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 एक जीरो, फिर जीरो एक जीरो एक। अब देखो ये इसकी बात करते हैं, तो इसकी बात कर रहे हैं, तो इसमें भी देखो प्रिंसिपल डायगोनल क्या है, इकाई अंक है ना, प्रिंसिपल डायगोनल इसका इकाई अंक है, और इकाई अंक ये प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा सभी एलिमेंट जो है क्या है वो शून्य है, इसलिए ये भी क्या कहलाएगा, यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये दो तरह का होता है, ये दो तरह का होता है, तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो देखते हैं इस प्रकार, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो होता है वो दो तरह का होता है, एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और दूसरा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो पहला आप लोग चलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, निम्न त्रिभुजाकार अव्यू, तो निम्न त्रिभुजाव्यू क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे, एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं ए आई जे को, करा इज कॉल्ड ए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, करा एक वर्ग अव्यू मतलब कि निम्न त्रिभुजाकार अव्यू कहलाता है यदि, माने यदि ए आई जे इजकल टू जीरो, क्या हो, ए आई जे इजकल टू जीरो वेन, और जब क्या होना चाहिए, आई लेस देन जे, यानी कि आई जो होना चाहिए वो जे से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और ऐसा होगा तो इस प्रकार क्या होगा कि ए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी निम्न त्रिभुजाकार अव्यू जो होगा वो एक वर्ग अव्यू है जो क्या है, विच हैज ऑल एलिमेंट्स अबव द प्रिंसिपल डायगोनल इक्वल टू जीरो, जो क्या हो जाएगा कि सभी एलिमेंट यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर सभी एलिमेंट क्या होगा वो जीरो के बराबर होगा, तो वैसे मतलब कि मैट्रिक्स को निम्न त्रिभुजाकार अव्यू यानी कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल में ये चार जीरो जीरो चार जीरो जीरो और ये हो गया दो तीन जीरो, फिर माइनस तीन दो एक, है ना, ये हमने एक मैट्रिक्स लिया। अब ये मैट्रिक्स में देखो ये जो है प्रिंसिपल डायगोनल है ना, ये हमारा क्या प्रिंसिपल डायगोनल है। अब इसमें क्या कर रहा है कि प्रिंसिपल लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इसको कहेंगे, इसको कि यदि ए आई जे जीरो होना चाहिए, ए आई जे जीरो होना चाहिए, कब, जब आई जो है जो से छोटा है, तो देखो चार को हम क्या बोलते हैं, ए इलेवन ए ट्वेल्व ए थर्टीन, यहां बोलेंगे इसी तरह से ना, फिर इसको क्या बोलेंगे ए टू टू ए ट्वेंटी थ्री ए ट्वेंटी फोर, फिर ये ए थर्टी वन थर्टी थ्री, सॉरी यहाँ ट्वेंटी वन होगा, और ये ट्वेंटी टू और ये ट्वेंटी थ्री है ना, और ये थर्टी वन थर्टी टू और ये थर्टी थ्री। अब देखो ये इसी रूप में ये दर्शाया गया यहाँ पे, तो ये तो हमारा प्रिंसिपल डायगोनल हो गया। अब बाकी जो बच गया कह रहा है ए आई जे क्या होना चाहिए, आई जे पे, तो देखो यहाँ पे ये वन आई आई जे है, यहाँ भी आई ये दो जो है जे है, उसी तरह यहाँ वन जो है आई है और तीन जो है जे है, तो यहाँ पे कह रहा है कि आई छोटा होना चाहिए जे से, तो देखो ये तो दोनों बराबर है आई जे, लेकिन यहाँ पे वन जो है क्या है, आई जो है वन जो है दो से क्या है, छोटा है ना, दो से छोटा है, इसलिए इसकी जगह पे ए आई जे की जगह पे क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जीरो। अब इसके बाद इसी तरह से यहाँ भी एक जो है तीन से छोटा है, आई जो है वो क्या होना चाहिए, यानी इसके फलस्वरूप ये काम करेगा, तो ये आई जो है वन जो है तीन से छोटा है, इसलिए यहाँ पे भी क्या होना चाहिए,
यानी कि ए थ्री तेरह, यहाँ पे भी लिख देते हैं बारह, तेरह बराबर जीरो होना चाहिए। फिर उसी तरह से यहाँ भी वन, देखो यहाँ पे टू, तीन से छोटा है, टू जो है क्या तीन से छोटा है, छोटा है इसलिए ये ए ट्वेंटी थ्री बराबर भी जीरो होना चाहिए। आप देखो इसमें और कहीं अब छोटा नहीं है, देख सकते हैं ये बराबर है, ये आई जे दोनों बराबर है। आई देखो आई जो है जे से बड़ा है, यहाँ भी आई जो है जे से बड़ा है, तीन जो है दो से बड़ा है यानी इससे बड़ा है, बाकी जो छोटा है वो क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो उसको क्या कहेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। समझ रहे हैं बात को, इस बात को बढ़िया समझना कि यहाँ पे वन वन के जगह पे जीरो है, चार है, ये वन टू के जगह पे जीरो है, तो ये जीरो यानी प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर जो जीरो होगा वो क्या कहलाएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं एकदम सिंपल, इसीलिए लिख दिया है नीचे कि दस इस प्रकार ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि निम्न त्रिभुजाकार अवयव एक वर्ग अवयव है जो क्या है कि हैज ऑल एलिमेंट ए ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो इक्वल टू जीरो, यानी प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर जो भी एलिमेंट है वो सब क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं दूसरा अपर ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो देखो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स उच्च त्रिभुजाकार अवयव क्या है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे इज कॉल्ड एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि एक वर्ग अवयव उच्च त्रिभुजाकार अवयव कहलाता है यदि ए आई जे क्या होना चाहिए बराबर वेन, कब जब आई जो है वो ग्रेटर देन जे, यानी आई जे से क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए, आई ग्रेटर देन जे। और इस प्रकार यदि ऐसा होगा तो हम कह सकते हैं कि एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी उच्च त्रिभुजाकार अवयव जो है एक वर्ग अवयव होगा जिसमें हैविंग जिसमें ऑल एलिमेंट बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल, यानी जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे, बिलो मतलब नीचे, नीचे के सभी तत्व जो होगा वो जीरो के बराबर होगा यदि ऐसा होगा तब। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, क्या एग्जाम्पल कि एक एग्जाम्पल हम इस तरह का एक मैट्रिक्स लेते हैं, ए बराबर एक मैट्रिक्स ले रहे हैं, ठीक है। मैट्रिक्स में क्या ले रहे हैं कि फोर थ्री टू वन या माइनस एक जीरो 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 टू है ना, ये लिए। अब इसमें देख सकता है तुम लोग ये माइनस यानी ए इलेवन है, ट्वेल्व थर्टीन, फिर ये ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू, ए ट्वेंटी थ्री, ये जो है ट्वेंटी, ये थर्टी वन हो गया, ए थर्टी टू ए थर्टी थ्री, यानी इस तरह के ये मस्जिद है। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है थर्टी वन है, क्या ए थर्टी वन है, अब 31 है तो यहाँ पे तीन क्या है, तीन जो हो रहा है वो जे आई जो है जे से क्या हो रहा है छोटा हो रहा है, एक से छोटा हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ये 31 बराबर क्या हुआ जीरो है, क्या लेंगे जीरो लेंगे है ना। उसी तरह से अगर हम यहाँ की बात किया जाए तो ये सॉरी यहाँ पे 21 पहले 21 का, तो यहाँ टू जो है वन से छोटा है, अब 31 का लेते हैं तो ये 31 यानी कि इसमें 33 जो है क्या है एक से छोटा है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा ए 31 जीरो होगा, जीरो लेना होगा। फिर इसी तरह से ए यहाँ पे 32 है, 32 तो यहाँ पे भी 3 जो है वो 2 से क्या है छोटा है, इसलिए यहाँ पे ए 32 इक्वल टू जीरो। अब देखो यानी कि ये इस प्रकार से क्या होगा कि प्रिंसिपल, बाकी ये तीन को छोड़ करके बाकी किसी का भी छोटा नहीं होगा, आई जो है जैसे छोटा नहीं होगा, करके देख सकता है तुम लोग को खुद ये पता है कि ये क्या है ए 11 है, ए 12 है और ये 13 है, फिर ये 21 है, ये 22 है, ए 23 है, इस तरह करके हम ये पहले ही बता चुके हैं, इसमें करके देख सकता है। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं कि ए मैट्रिक्स जो है यानी कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स
त्रिभुज त्रिभुजाकार आव्यूह एक वर्ग आव्यूह है जो क्या होता है कि प्रिंसिपल प्रिंसिपल विकर्ण यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सभी एलिमेंट जो होता है वो जीरो होता है, तो उसको उच्च त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहते हैं। या एक एग्जांपल और हम ले लेते हैं, जैसे बी, अब कोई कहेगा प्रिंसिपल इसमें भी जीरो हो, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी जीरो रख सकते हैं, यानी कि थ्री ए, फिर ये जीरो, ये फाइव टू, फिर ये जीरो जीरो, ये माइनस ए, तो देखो यहाँ पे प्रिंसिपल ए जीरो रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे का एलिमेंट सभी जीरो होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं कंपेरेबल मैट्रिक्स। क्या आते हैं? कंपेरेबल मैट्रिक्स, सेम नंबर ऑफ कॉलम। देखो ध्यान दो, ये हमारा कंपेरेबल मैट्रिक्स है, तुलनीय आव्यूह। तो कंपेरेबल मैट्रिक्स ए एंड बी और सेट टू बी कंपेरेबल कह रहा है कि कंपेरेबल मैट्रिक्स, एक दो मैट्रिक्स लेते हैं ए और बी, दो मैट्रिक्स कंपेरेबल मैट्रिक्स तब कहा जाएगा यदि क्या हो, दे हैव सेम नंबर ऑफ रो, यानी कि रो की संख्या समान हो, तथा क्या होना एंड सेम नंबर ऑफ कॉलम, और कॉलम का भी संख्या क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, चाहे उसका एलिमेंट कुछ भी हो, सिर्फ क्या होना चाहिए, रो और कॉलम का नंबर जो है वो सेम होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं कि ए का, ए मैट्रिक्स एक लेते हैं, जैसे ये दो तीन छ है, तीन जीरो माइनस एक है ना, ये एक ले लेते हैं, और इसी तरह से एक बी का भी ले लेते हैं, बी मैट्रिक्स जिसमें ये तीन दो माइनस एक चार तीन जीरो, ठीक है, ये हमने दो को मैट्रिक्स लिए। अब इसमें भी देखो रो की संख्या कितना है, आर वन, ये आर टू, दो रो है, कॉलम कितना है, सी वन सी टू सी थ्री है ना, ये सी थ्री, उसी तरह से इसमें भी कॉलम सी वन सी टू और ये सी थ्री, और रो की संख्या आर वन और आर टू है ना। अब देखो यहाँ पे भी रो यानी कि सेम नंबर ऑफ रो है, यानी कि यहाँ पे भी रो की संख्या जो है दो बाई तीन है, यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है दो बाई तीन है, यानी टू बाई थ्री है, और यहाँ भी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है टू बाई थ्री है। तो अब ये दोनों में क्या है कि दोनों में सेम है, यानी कि नंबर ऑफ रो भी सेम दोनों में समान है, और नंबर ऑफ कॉलम भी तीन दोनों में समान है, तो यहाँ पे ए और बी जो होगा वो कंपेरेबल मैट्रिक्स कहलाएगा। क्या होगा? कंपेरेबल मैट्रिक्स होगा। अब नेक्स्ट, अब आते हैं नेक्स्ट है अगला टॉपिक, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, तो देखो ध्यान दो, अब हमारा इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, दो आव्यूहों की समानता, दो आव्यूहों की समानता क्या है कि टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द टू मैट्रिक्स आर इक्वल। कह रहा है कि दो समान कोटि के आव्यूह समान होंगे तब उसको क्या कहेंगे कि वो मैट्रिक्स आर इक्वल, यानी उसका इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स होगा। अर्थात हम इसको एक तरह से डिनोट कर सकते हैं कि दो समान कोटि के आव्यूह समान होते हैं यदि उनके संगत अवयव जो हो वो भी समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि ए ए बराबर दो तीन एक, दो ये हो गया माइनस एक जीरो चार, ये ले लेते हैं, और एक बी मैट्रिक्स ले लेते हैं, ये भी दो तीन एक माइनस एक जीरो चार, यानी इसमें टू बाई थ्री है और ये भी टू बाई थ्री है ना, इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इतना है टू बाई थ्री, ये भी टू बाई थ्री। अब देखो इसमें एकदम संगत अवयव जो है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो क्या है, टू मैट्रिक्स से ज्यादा इक्वल है दोनों का, जैसे ए इलेवन पे टू है तो यहाँ भी ए इलेवन पे टू है, ए ट्वेल्व पे तीन है तो यहाँ भी ए ट्वेल्व पे कितना है, तीन है, देख रहा है ना, ए इलेवन ये ए ट्वेल्व ये ए थर्टीन, यहाँ भी ए इलेवन ए ट्वेल्व ए थर्टीन, तो इसी तरह से यहाँ पे ए टू टू, फिर ये ए टू थ्री ए टू फोर सॉरी टू वन होगा, यहाँ टू टू और यहाँ पे टू थ्री, उसी तरह से यहाँ भी देखो ए टू वन ए टू टू
और ए थ्री थ्री। देखो ए इलेवन पे दो है तो यहाँ भी ए इलेवन पे दो है, ए ट्वेल्व पर तीन है तो यहाँ भी ए ट्वेल्व पर तीन है, यहाँ ए थर्टीन पे तीन एक है तो यहाँ थर्टीन पर एक है। अर्थात यानी कहने का मतलब कि दोनों का एलिमेंट यानी संगत एलिमेंट जो होना चाहिए, अवयव होना चाहिए, वो बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं तक समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे मैट्रिक्स के बारे में और प्रॉपर्टी जो गुण होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके चैप्टर का सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में। और हमारा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप लोग इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।